नमस्कार, मैं हूं जम्मू आनंद, करता हूं सीधी बात। आखिर ऐसा क्या हुआ कि G20 खत्म हुआ ही नहीं और दो चार दिनों के अंदर ही देश के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो इस देशवासियों को ये सपना लगातार वो दिखाते चले जा रहे हैं, क्या वो समय आ गया है जब दुनिया जो है भारत की ओर देख रहा है? इतना ही नहीं, अब भारत विश्व गुरु बना हुआ है। अब दुनिया में भारत की तूती बोलती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और उनके नेता तो इस तरीके से प्रधान सेवक को महिमा मंडित करते हैं कि मानो भारत या इंडिया इस देश का उदय 2014 में हुआ। इस तरीके से महिमा मंडित करते हैं कि दुनिया अगर देश को पहचानती है, अगर दुनिया भारत को या इंडिया को जानने लगी है तो 2014 से जानने लगी है। लेकिन विश्व गुरु बनने निकले देश के प्रधानमंत्री जो एक फोन पर दावा करते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच में चलने वाला युद्ध जो है रुक जाता है, इतने जबरदस्त जिनकी पैठ हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिनके एक फोन से, यह अलग बात है कि युद्ध आज भी जारी है, लेकिन मैं आज ये वीडियो इसलिए कर रहा हूं कि विश्व गुरु बनने जो प्रधानमंत्री चले हैं, ऐसा क्या हुआ कि G20 का इतना बड़ा सम्मेलन जिसमें पहली बार लोगों को चांदी की थालियां और सोने के चम्मच से खाना परोसा गया, दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ। अन्य देशों में ये सारी चीजें बड़ी आम है, लेकिन विश्व गुरु के रूप में अपने आप को मासूम भारतीयों के मानस में स्थापित करने की जो पूरी कवायद चल रही है, उस कवायद में G20 के सम्मेलन को भारत सरकार ने इतना बढ़ चढ़कर स्थापित करने की कोशिश की कि नरेंद्र मोदी है तो दुनिया झुकती है। क्या हुआ आखिर? दो दिन नहीं हुए उस G20 सम्मेलन की सफलता और जय जयकार नरेंद्र मोदी की हवा निकल गई। अमेरिका के राष्ट्रपति जो वियतनाम गए और उस वियतनाम में जाकर उन्होंने जाहिर रूप से बोला कि उन्होंने प्रधान सेवक को स्पष्ट रूप से कहा कि आपके देश में जो चल रहा है स्वतंत्रता के नाम पर, खास करके धार्मिक स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों के हालात और मानवाधिकार, इसको लेकर बाइडेन ने कहा वियतनाम में, उन्होंने प्रधान सेवक को खुली खुली बात कही कि ये आपके देश में ठीक नहीं हो रहा है। मतलब जो नरेंद्र मोदी इस बात की दुहाई देते हैं कि लोकशाही, दुनिया में जो लोकशाही की जो पूरी अवधारणा है, कल्पना है, व्यवहार है, लोकशाही के मूल्यों पर देश को चलाना है,
तो लोकशाही की जननी तो भारत है, तो फिर ऐसे लोकशाही वाले भारत में विचारों की स्वतंत्रता पर अंकुश क्यों है? धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों पे इतनी मार क्यों है? लोकशाही में मानव अधिकारों पे हनन क्यों है? ये सवाल दो दिन बाद ही अमेरिका के राष्ट्रपति ने वियतनाम में उठा दिया। दो दिन और बीतते ही नहीं कि भारत और कनाडा के बीच के संबंध इतने टकराहट पूर्ण हो गए कि उधर कनाडा ने भारत के डिप्लोमेट ओटावा प्रांत के उनको कह दिया कि आप देश चले जाओ। इधर भारत ने भी जवाबी हमले में कह दिया है कि भारत में जो राजदूत कार्यालय जो है कनाडा के जरूरत से ज्यादा है, वापिस जाओ। यहां तक भारत के विदेश मंत्रालय ने एक फरमान भी जारी किया है ये कहते हुए कि कनाडा में रहने वाले विद्यार्थी, भारत के मूल के विद्यार्थी, व्यवसायिक प्रोफेशनल्स, जरा अपना ध्यान रखो, आपके ऊपर कभी भी कुछ भी हो सकता है। मतलब G20 महासम्मेलन के एक ही हफ्ते में इस प्रकार की कटुता, इस प्रकार के द्विपक्षीय व्यवहार में कनाडा जैसे देश के साथ बातचीत का बिगड़ जाना, ये कहीं ना कहीं इस बात को साबित करता है, इस बात को दिखाता है कि प्रधान सेवक कोई विश्वगुरु नहीं है। प्रधान सेवक जो हर समय चुनावी मूड में रहते हैं, चौक की सभा में जिस तरीके से लच्छेदार भाषणबाजी होती है, उस नजरिए से, उसी व्यवहार से अंतरराष्ट्रीय संबंधों को जो है बना के नहीं रखा जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय संबंध इसमें बहुत चतुरता ही दिखानी पड़ती है, संयम दिखानी पड़ती है। एक भारत जैसा मुल्क, उसके प्रधानमंत्री का एक जिसको कहते हैं परिपक्व स्टेट्समैनशिप की लीडरशिप की मांग होती है, कहीं ना कहीं G20 के बाद जो हालात बन रहे हैं, वो हालात इस ढंग से बन रहे हैं कि विश्व गुरु की छवि जो है, उस छवि को इतने जल्दी दाग लग जाएंगे, इसकी कल्पना कम से कम भारतवासियों तो ने तो नहीं की। और कहीं ना कहीं ये उन लच्छेदार जुमलों की और भाषणों की पोल खोल देता है और कहीं ना कहीं विश्व गुरु को जमीन पर ला देने की हालात जो बन रहे हैं, ये हमारे और आप सबके लिए एक देश होने के नाते चिंता की बात है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर किसी और मुद्दों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।